अस्सलाम वालेकुम, ड्रीम ऑफ साइमा में आपको वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए ईद की स्पेशल बेस लेके आई हूँ, जो आप चूल्हे के आगे खड़े होकर कुकिंग भी करोगे तो ख़राब नहीं होगी। तो आज हम लोग बेस भी बनाएंगे और ईद का वो मेकअप भी करेंगे जो आप सारा दिन चूल्हे के आगे खड़े भी रहोगे तो पिघलेगा नहीं। और दूसरी आई पे मैं आपको वो मेकअप करके दिखाऊंगी कि जब आप किचन से फारिग हो जाओगे तो कौन सा आई मेकअप करोगे, या आपको कहीं जाना है तो कौन सा इजी मेकअप जो है वो आप करोगे। तो आइए चलते हैं, पहले हम लोग बेस बना लेते हैं जो हम लोग स्पेशली ईद पे लगाएंगे, जिससे हमारी बेस ख़राब नहीं होगी। जी तो जो बेसिक चीज़ें जो हैं हम यूज़ करने जा रहे हैं की तरफ। आपको एक बाउल में बर्फ वाला पानी चाहिए होगा। एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग ऑरेंज कंसीलर लेंगे और अपने आई सर्कल जो है उनको कवर कर लेंगे। टैप टैप करते हुए आपने इसको कवर कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप सारा दिन फ्रेश लुक दोगे, आपकी बहुत फ्रेश लुक आने वाली है। और जहाँ जहाँ आपके फ्रैकल्स हैं या कोई भी दाग धब्बे हैं वहाँ पर भी ये लगा लो। ये कोई आपके स्किन पर ऑयल क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि जब हम लोग पैनकेक यूज़ कर लेते हैं तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता होगा। ये देखिए, अब इसकी कवरेज के बाद हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपनी क्रेलन की स्टिक। कोई भी नंबर लें, मैं नंबर नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हमें सूट नहीं करता। और आप अपनी स्किन के हिसाब से टोन जो आपकी जा रही है उसके हिसाब से नंबर लीजिए, वरना नेचुरल जो है वो कलर यूज़ कीजिए। तो अब हम लोग अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और इसके ऊपर हम लोग इसको अप्लाई करके माइनर सी, बहुत मोटी टैन ही लगाओगे आप, माइनर से इसकी टैन लगाओगे। ये मैंने येलो कलर लिया है, इसमें येलो जो है वो मोस्टली लोगों के साथ बेस्ट जाता है। इसको आपने अच्छे तरीके से, आप देख रहे हो मैं बीच में कट नहीं कर रही हूँ कि ये मैं कितनी मिकदार में इसको अप्लाई कर रही हूँ, कोई कमी बेशी इसमें मैंने नहीं की है। माइनर माइनर सी जो मिक्सिंग करके थर्ड कलर क्रिएट हो जाता है वो हो जाता है। 2 मिनट्स में ही आपका मेकअप हो जाएगा। अब आपने जब पैनकेक यूज़ करना, अगर आपकी रिच ऑयली स्किन है तो आपने फ्रीज हुआ हुआ पानी ले लेना है या बर्फ़ ले लेनी है, उस पर अपने ब्यूटी ब्लेंडर को रख देना है और उसको अच्छी तरह गीला करके उस पानी से तो आपने अपना पैनकेक यूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम लेने जा रहे हैं पैनकेक। ये आप लोग स्पेलिंग देख लो पैनकेक के, इन्होंने तो खैर पैंक लिखा हुआ है, केक ख़त्म करें। और कोई भी ले लें किसी भी कंपनी का, ये मेरे पास इंडियन कंपनी का है, मैं ये अप्लाई करूँगी। मैं सिर्फ गीला जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर करके इसको यूज़ करूँगी। ये देखें, और अब इसके ऊपर ये गीले के बगैर यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये आम पाउडर नहीं है, ये पैनकेक है। इसे आप पानी के साथ, ये देखें, इस तरह आप या तो कर लें या आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छी तरीके से गीला करके इस पर इस तरह रब करेंगे। और ये देखिए ब्लेंडर, इस तरीके से आपने हल्का हल्का सा आपने इसको टैप टैप करते हुए लगा लेना है। मैं दोबारा बता रही हूँ कि अगर आप लोगों की स्किन रिच ऑयली है तो आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को कच्ची सी बर्फ़ जो बनी होती है ना, इतनी ठंडा पानी होना चाहिए उस पे आप करके तो करेंगे। ये देखिए कितनी स्मूथ बेस और नेचुरल आ चुकी है। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे और हम करेंगे अपना मेकअप। जी तो अब हम लोग चलेंगे, सबसे पहले बना लेंगे अपनी आईब्रो। आईब्रो बहुत ज़रूरी है, आप लोग कोई पेंसिल ले लें और उसके साथ लाइट लाइट से ड्रॉ कर लें और उसके बाद उसके अंदर आप अच्छे तरीके से कलर फिलअप कर लें, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगा लेंगे टेप और आप कोशिश कीजिएगा कि आँख के नीचे से लेके लगाइएगा ताकि आपकी आँख की कवरेज नीचे से भी आ जाए, लेकिन अगर आपकी बड़ी आँख है तो आप ऊपर से लगा सकते हो, ठीक है जी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पेंसिल। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ अपनी ब्लैक पेंसिल और इसको मैं अप्लाई करूँगी। ये देखिए इस तरीके से
लास्टिंग रहेगा। आप चाहो तो 24 घंटे भी चला सकते हो, आप चाहो तो कम ड्यूरेशन, जितनी देर आप यूज़ करना चाहो, कम से कम ये 24 घंटे ज़रूर जाएगा और फैलेगा भी नहीं, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, इसको मैंने शेप दे लेनी है आपको इसके साथ, लाइट लाइट बिल्कुल आई लैशेज के अंदर। स्ट्रोक इसके ख़राब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि करनी तो आपने ब्लेंडिंग ही है। तो ये देखिए ये हो गए हैं। अगर आपको मुश्किल लगता है कि आप ब्रश से ब्लेंडिंग नहीं कर सकते तो आप कॉटन बट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने कॉटन बट से इसको लाइट लाइट सा ब्लेंड करना शुरू कर दिया। अच्छे तरीके से आप इसको ब्लेंड कर लें जब ये आपकी ब्लेंडिंग हो जाए। अच्छा, इससे क्या होगा, कॉटन बट से ब्लेंड करने से आपका जो एक्सेसिव कलर है वो भी उतर जाएगा। अब जो आपका रिक्वायर्ड कलर है वो आप लीजिए और लगा लीजिए और उसको भी ब्लेंड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये पिंक कलर, स्वीट टच का है। तो ये देखिए, ये आप अपनी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि पीछे से आप चौड़ा करते हुए आगे को कम कलर लेके आइएगा, बहुत प्यारी लुक आती है फिर। अब हम इसे भी ब्लेंड कर लेंगे। इसके लिए अब हम लोग दूसरा लेंगे जिसे हमने ब्लैक कलर यूज़ ना किया हो, साफ सुथरा अपना कॉटन बट। ठीक है, और अब नीचे से कलर ऊपर मिक्स कर दें। और अब हम क्या करेंगे, इसके साथ दोबारा से हम लोग ब्लैक कलर लेके ठीक है, और एक दफ़ा फिर हम इसे ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए, ये आपका रिक्वायर्ड कलर अच्छे तरीके से आ गया। कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से जहाँ तक चाहें आई शेप को लेके जा सकते हैं, आई शेप पे मेकअप कर सकते हैं। और मैं इसको ऊपर तक लेके जाऊंगी, आई बॉल की एरिया कवर करूंगी। अल्टरनेट कलर यूज़ करके कर सकते हैं, मैं ग्रीन यूज़ करने जा रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जो सा भी कलर यूज़ करें। बिल्कुल यूँ बारीक सी लाइन लगा के ये देखें कितनी इनहेंस हो रही है और डिफरेंट लुक आ रही है। आप इसके ऊपर अब अपना कोई भी पैलेट जो आपके पास है उसमें से सेम शेड या थोड़ा सा मिलता जुलता शेड लेके लगा लें। ये मैंने ले लिया है ब्रश पे शेड और ये मैं अप्लाई करने लगी हूँ। इससे क्या होगा कि ये फिक्स हो जाएगा और कलर भी बहुत अच्छा इनहेंस हो जाएगा। तो ये देखिए जी, ये हमारा मेकअप जो है आपके सामने है। अब मैं आपको बताती हूँ आप इसके साथ लिप कलर कौन सा यूज़ करोगे। मैट लीजिएगा, मैट में बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं कलर्स आजकल और बिल्कुल भी चिपकते नहीं है, वरना कुछ होते हैं कलर्स मैट के, मतलब के कंपनीज जो चिपकती हैं। मैं क्लैजोना यूज़ करती हूँ और क्लैजोना के कलर्स बिल्कुल नहीं चिपकते। क्लैजोना में जो मैं कलर यूज़ करने जा रही हूँ वो है 520। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कलर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं लगाती हूँ। जी, तो ये दो कलर्स जो हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इस मेकअप के साथ, आप लगा सकते हैं, इनहेंस होंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। तो अब हम अपने दूसरे मेकअप की तरफ चलते हैं। शाइनर लगाते हो, मस्कारा अप्लाई करते हो, सिर्फ उस पर टाइम लग जाता है, अदरवाइज तो बंदा मेकअप जल्दी ही कर लेता है। ये देखें, यहाँ आपने फ्रंट से उठाना है, ठीक है, फ्रंट से उठाना है यहाँ से, ठीक है। मैंने हैक्स में स्पून मेकअप बताया, आप स्पून मेकअप जो है अगर वो स्पून लेके कर लेंगे तो इतने जल्दी हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत से हैक्स डाले हैं। आप अपनी एक 7-Up की बॉटल के ढक्कन से किस तरह अपना आइडियल लुक मेकअप कर सकते हो वो भी उसमें मैंने डाला है, तो वो ज़रूर देखिएगा मेरा मेकअप, ठीक है।
अब मैं इसको फिर डार्कर टोन उठाने वाली हूँ, ब्लेंड करने वाली हूँ। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, जितने एरिया पे आप क्रीज करना चाहते हो कर लो, अगर नहीं है तो आने मतलब कि आपको नहीं पता चल रहा किस तरह क्रीज होगी तो आप मेरी वीडियो देखो, अगर नहीं तो आने वाले दिनों में उससे भी अच्छा और आसान ट्रिक जो है वो मैं शेयर करने वाली। सिर्फ इतना सा आप करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे कि इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया इस एरिया में। ठीक है, ठीक है जी, अब हम लगाएंगे अपना रिक्वायर्ड कलर। आप चाहें फुल इस क्रीजिंग एरिया पे आपने लगा लेना और फिर आप देखिएगा कितनी लुक आपकी इन्हेंस हो जाएगी। अब हम लगाएंगे मस्कारा और एप्लीकेशन और फिर हमारा काम हो जाएगा ख़त्म जी। मस्कारा एप्लीकेशन हो गई, अब मैं लगाऊंगी लाइनर। ठीक है जी, अब हम कर लेते हैं अपनी आइज़ के नीचे का मेकअप, क्योंकि आजकल आइज़ के नीचे का मेकअप बहुत ही नया और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। आप अपनी ड्रेस के हिसाब से कलर को यूज़ कर सकते हैं, सेम उस तरह जिस तरीके से मैंने आपको बताया उधर लगाएं उसी तरह लगा लीजिए इस आँख की तरफ। पेंसिल कोई भी लगा के, चाहे लिप पेंसिल है आप उसके बाद। ठीक है, ये हमारा मेकअप रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, फ्रंट कॉर्नर जो है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, ये फ्रंट कॉर्नर ही आपकी शेप को आइज़ की इन्हेंस करता है तो वो होना ज़रूरी है। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ जी, तो ये हमारी फाइनल लुक आपके सामने है। ये देखिए, आप इन दोनों में से जो सा मेकअप चाहें कहीं करके भी जा सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं। और इसके साथ आप जो है अपने मेकअप में ये लिपस्टिक कलर्स जो हैं दो यूज़ कर सकते हैं, लिपस्टिक लगा लें, मैट लिप ग्लॉस लगा लें, जो भी आपका दिल हो।